अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और आज का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट एन ऐप इन जेंगो। जेंगो जो है वो फेमस है यूनिक और फुल मैनेज ऐप स्ट्रक्चर के लिए। हम इसे यूज करते हैं फॉर एवरी फंक्शनैलिटी। ये ऐप जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं लाइक अ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट मॉड्यूल के जरिए। इस आर्टिकल में हम जो है वो डिस्कस करेंगे हम जो है क्रिएट किस तरीके से करते हैं बेसिक ऐप को और एड किस तरीके से करते हैं फंक्शनैलिटीज को यूजिंग दिस ऐप। फॉर एग्जाम्पल जब आप क्रिएट कर रहे हैं ब्लॉग को सेपरेट मॉड्यूल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं कमेंट्स के लिए पोस्ट के लिए लॉग इन लॉग आउट। तो जेंगो जो है वो ये मॉड्यूल जानता है एप्स के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट ऐप जो है वो टास्क के लिए यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ए जेंगो ऐप, फर्स्ट आता है जेंगो ऐप जो है वो रीयूजेबल है। जेंगो ऐप जो है वो आप यूज कर सकते हैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के साथ। इसमें जो है वो लूजली कपल्ड एग्जाम्पल है ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स। थर्ड आता है ये मल्टीपल डेवलपर्स जो है वर्क कर सकते हैं और डिफरेंट कंपोनेंट्स पर और डिबगिंग और कोडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसकी इजी है। जेंगो जो है वो एक्सलेंट डिबगर टूल है। ये जो है वो बिल्ड फीचर है लाइक एडमिन पेजेस है जिसमें आप रिड्यूस कर सकते हैं एफर्ट ऑफ बिल्डिंग द सेम फ्रॉम स्क्रैच से। तो प्री इंस्टॉल्ड एप्स है जिसमें जेंगो जो है प्रोवाइड कर रहा है सम प्री इंस्टॉल्ड एप्स यूजर्स के लिए। ये आप देख सकते हैं प्री इंस्टॉल्ड एप जिसमें नेविगेट पुट किया गया प्रोजेक्ट नेम के साथ और यहाँ प्रोजेक्ट नेम और सेटिंग जो है वो पी वाई रिप्रेजेंट किया गया। ये इसमें आप जो है वो सेटिंग पी वाई फाइल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं फाइंड कर रहे होते हैं इंस्टॉल्ड एप्स को। एप्स लिस्टेड में जो है वो पुट किया गया इंस्टॉल्ड एप जो प्रोवाइड कर रहा है जेंगो डेवलपर कंफर्ट जोन में। इंस्टॉल्ड एप है जिसमें आप यहाँ पे देखें जेंगो पुट किया गया एडमिन ऑथ यहाँ पे कॉन्टेंट टाइप सेशन मैसेज इस तरीके से जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया स्क्रीन पर। आप जो है वो विजिट कर सकते हैं जेंगो ओ आर एम इंसर्टिंग अपडेटिंग एंड डिलीटिंग डाटा के लिए। क्रिएटिंग एन ऐप इन जेंगो, हम जो है वो बिल्ड कर रहे हैं ऐप को। फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड वन है जिसमें फर्स्ट जो है वो आपने क्रिएट करना है बेसिक ऐप को। जेंगो प्रोजेक्ट में जब आपको जरूरत होती है आपने जो है वो डायरेक्टरी पुट करनी है मैनेज करनी है पी वाई के और यहाँ पे एंटर करनी है ये कमांड जिसमें पाइथन मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप प्रोजेक्ट ऐप पुट किया गया। सेकेंड मेथड है जब आप क्रिएट कर रहे हैं बेसिक ऐप को जेंगो प्रोजेक्ट में जब आपको जरूरत होती है गो टू दी डायरेक्टरी कंटेनिंग मैनेज डॉट पी वाई एंड ये जो है वो एंटर कमांड पुट करनी है जेंगो एडमिन स्टार्ट ऐप प्रोजेक्ट नेम। इसके बाद आप ये देखें डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो है वो पुट किया गया जिसके अंदर प्रोजेक्ट नेम है प्रोजेक्ट ऐप माइग्रेशन है उसके बाद इनिशियल पी वाई और एडमिन पी वाई ऐप ये सारी जो है वो इस तरीके से एक कंपोनेंट रिप्रेजेंट किया गया। यहाँ पे कंसिडर किया गया ऐप को प्रोजेक्ट में जिसमें आप जो है वो स्पेसिफाई कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट नेम को इंस्टॉल्ड ऐप से। लिस्ट की गई है जिसमें आप फॉलो कर रहे हैं सेटिंग डॉट पी वाई पाइथन थ्री पुट किया गया। एप्लीकेशन डेफिनेशन इंस्टॉल्ड एप जेंगो कंट्रीब्यूट एडमिन जेंगो कंट्रीब्यूट जो है वो यहाँ पे ऑथर पुट किया गया। अगेन कॉन्टेंट टाइप सेशन मैसेज एंड यहाँ पे जो है वो एसटीस फाइल जो है पुट किया गया प्रोजेक्ट ऐप जो है पुट किया गया। फाइनली जो है वो हम क्रिएट कर रहे हैं ऐप को रेंडर टू द ऐप यूज कर रहे हैं यूआरएल जब हमें जरूरत होती है इंक्लूड कर रहे हैं ऐप में मेन प्रोजेक्ट जिसमें यूआरएल जो है वो रीडायरेक्ट कर रहे हैं ऐप को रेंडर के साथ। तो लेट्स सी हम जो है एक्सप्लोर कर रहे हैं मूव करना है अपने प्रोजेक्ट नेम पुट किया गया यूआरएल पी वाई और ऐड करना है बिलो कोड को हेडर में जिसमें पुट किया गया फ्रॉम जेंगो यूआरएल इंपोर्ट इंक्लूड। ये जो है वो लिस्ट है यूआरएल पैटर्न्स की जिसमें आप स्पेसिफाई कर रहे हैं ऐप नेम को इंक्लूड कर रहे हैं ऐप यूआरएल को। तो ये कोड जो है वो डिस्प्ले किया गया स्क्रीन पर। पाइथन थ्री पुट किया गया फ्रॉम जेंगो कंट्रीब्यूट इम्पोर्ट एडमिन फ्रॉम जेंगो यूआरएल इम्पोर्ट पाथ इंक्लूड पुट किया गया। यूआरएल पैटर्न्स है जिसमें पाथ एडमिन एडमिन साइड यूआरएल एंटर द ऐप नेम इन द फॉलोइंग सिंटैक्स फॉर दिस टू वर्क पाथ इंक्लूड प्रोजेक्ट ऐप पुट किया गया यूआरएल के फॉर्म में। ये इसके बाद जो है वो आप यूज कर रहे हैं डिफॉल्ट एमवीटी मॉड्यूल में जिसमें आप क्रिएट कर रहे हैं यूआरएल मॉड्यूल्स को मॉडल्स को व्यूज पुट किया गया अपनी ऐप के अंदर। ये जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्लूड कर रहा है मेन प्रोजेक्ट में। मेन फीचर है जेंगो ऐप का ये जो है वो इंडिपेंडेंस है और एवरी ऐप फंक्शंस है जिसमें इंडिपेंडेंट यूनिट पुट किया गया सपोर्टिंग मेन प्रोजेक्ट में। आप जो है वो नो द यूआरएल पी वाई प्रोजेक्ट फाइल में जिसमें आप असेस नहीं कर रहे होते ऐप यूआरएल को आप जो है वो रन कर रहे हैं जेंगो वेब एप्लीकेशन को प्रॉपरली और ये जो है वो पुट किया गया फॉलोइंग एक्शन मस्ट बी टेकन। फर्स्ट जो है वो आपने क्रिएट करना है फाइल इन दी ऐप डायरेक्टरी कॉल यूआरएल डॉट पी वाई इंक्लूड करना है फॉलोइंग कोड को। पाइथन थ्री पुट किया गया फ्रॉम जेंगो यूआरएल इम्पोर्ट पाथ नो इम्पोर्ट द व्यूज डॉट पी वाई फाइल इन टू दिस कोड फ्रॉम इम्पोर्ट व्यूज यूआरएल पैटर्न्स पुट किया गया इज इक्वल पाथ व्यूज एंड इंडेक्स। अबव कोड की बात करूं जिसमें पुट किया गया इनवोक द फंक्शन किया गया कॉल बैक किया गया डिफाइन किया गया व्यूज डॉट पी वाई फाइल को और इसमें आप जो है वो देख सकते हैं सीन प्रॉपरली है वेब ब्राउजर में जो है ये जो है वो जूम किया गया व्यूज डॉट पी वाई कंटेन्स द फॉलोइंग पाइथन थ्री पुट किया गया
फ्रॉम जेंगो HTTP इम्पोर्ट HTTP रिस्पॉन्स डिफाइन इंडेक्स पुट किया गया रिक्वेस्ट रिटर्न रिस्पॉन्स हेलो गिग्स आफ्टर जो है वो हम एड कर रहे हैं अबव कोड को गो टू दी सेटिंग PY फाइल जिसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टली पुट किया गया चेंज कर रहे हैं वैल्यू ऑफ द रूट URL conf और यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट जिसमें पुट किया गया फ्रॉम दिस फाइल ये देखें जिसमें आप जो है वो रूट URL पुट किया गया अगेन जो है वो टू दिस URL यहाँ प्रोजेक्ट URL यहाँ पे जो है वो एप URL से जो है वो डिस्कस किया गया रिप्रेजेंट किया गया। थर्ड है ये जो है वो आप रन कर रहे हैं सर्वर को तो डिजायर आउटपुट जो है वो इस तरीके से डिस्प्ले होगा स्क्रीन पर। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज एवरीवन।